हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप विंटर में हम अपने बेबी को डेली नहलाएं या नहलाना चाहिए, या फिर एक दिन छोड़कर या दूसरे दो दिन छोड़कर अपने बच्चे को नहलाएं, या अगर आपके बच्चे की फर्स्ट विंटर है, आपके बेबी की फर्स्ट विंटर है, तो उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत नाजुक है, क्या डेली डेली उसको बाथ देना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ बेसिक स्टेप्स या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके बेबी की फर्स्ट विंटर है, ठीक है, या फिर आपका बेबी प्रीमेच्योर है, मीन्स जिनका जन्म 7वें महीने में हो जाता है, 8वें या 9वें महीने में नहीं होता, 7वें महीने में होता है, तो वो प्रीमेच्योर बेबी है आपका और उसकी फर्स्ट विंटर है, या थर्ड आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, मतलब हर वीक उसको बीमार ही होना है, चाहे सर्दी या खांसी या फीवर या जो कुछ भी है, मीन्स महीने में वो 3-4 दिन उसे बीमार होना ही होना है, इस टाइप पर अगर आपकी बेबी की हेल्थ है, तो आप इन सब चीज़ों को बहुत जानना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को डेली ना नहलाएं, अगर आपका बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं या होती हैं, ठीक है। आपको कैसे नहलाना है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप अपने बच्चे को एक दिन छोड़कर ही नहलाएं, ठीक है, एक डे स्किप कर दें या फिर 2 दिन भी स्किप आप कर सकते हैं। हफ्ते में अगर आप बच्चे को 3 दिन भी नहलाएंगे या 3 दिन नहीं नहला रहेंगे, स्पंज कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर 1 दिन छोड़कर आप नहला सकती हैं, ठीक, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे जो बेसिक चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है जानने के लिए, वो ये है कि आप अपनी बेबी को चाहे स्पंज कर रही हैं वार्म वाटर से, चाहे आप नहला रही हैं, आपको हमेशा एक ही टाइम पर वो चीज़ करनी है। आप हमेशा एक टाइम रूटीन सेट कर लें कि आप अपने बच्चे को 10 बजे के आसपास नहला रहे हो या कपड़े चेंज कर रहे हो, स्पंज कर रहे हो, तो 10 बजे ही रखें या फिर 11 बजे ही रखें, या सुबह 8 या 9 के बीच में कर रहे हो तो वही टाइम, एक टाइम फिक्स करें। ये नहीं है कि आप टाइम को बार बार आप चेंज कर रहे हैं कि आज मैंने 8 बजे नहला दिया, कल मैंने 9 बजे नहला दिया, नेक्स्ट मैंने 12 बजे नहला दिया, नहीं। हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा सा जो टेम्परेचर है उसमें वार्मनेस आने दें, मीन्स हमेशा बच्चे को 10 बजे के आसपास ही नहलाएं। 3 साल तक के बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि 3 साल तक का बच्चा घर पर ही रहता है, आप उसको लेट नहला सकते हैं, उसके बाद बच्चे की जो बॉडी अच्छे से डेवलप हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और फिर आप उसको आराम से मॉर्निंग वाले टाइम पर नहला सकते हैं, जैसे कि जिस रूटीन पर हम नहाते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, तो फिर उसको हमें वही 6 या 7 के बीच में उसे नहलाना होता है, ठीक है। लेकिन 3 साल तक का बच्चा है, 3 साल से छोटे का है, तो आप उसको 10 बजे के आसपास नहलाएं, सबसे बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि उस समय सूरज भी अच्छे से निकल जाता है और एनवायरनमेंट में एक वार्मनेस आ जाती है, गर्माहट आ जाती है, तो उस समय ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और अच्छा टेम्परेचर रहता है, क्योंकि ज़्यादा लेट हम बच्चे को नहलाएंगे तो वो आगे चल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते वाला होता है, ठीक है। तो नहलाने का टाइम एक ही रखें, चेंज ना करें, वो बच्चे की हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है। जब भी आप बच्चे को नहलाने के लिए ले जा रहे हो कि अब ये बच्चे का बाथ टाइम है, अब हमें बेबी को नहलाने के लिए जाना है, तो हमेशा सारी जो भी बच्चे की यूज़ की चीज़ें, उसके कपड़े हैं, डायपर हैं, फेस पर लगाने के लिए, जो भी सोप है, जो भी कुछ आप उसके लिए यूज़ करते हैं उस टाइम, वो सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर जगह पर रखें, ताकि अगर आप बच्चे को आप नहला के ला रहे हैं तो एक भी टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट उसको जल्दी से उसके क्लोथिंग कर दें, क्योंकि अगर आप चीज़ें ढूंढोगे कि इसके कपड़े कहाँ गए, इसका ऑयल कहाँ गया, इसको ये कहाँ गया, तो बच्चे को उस टाइम में ठंड लग सकती है, तो आपको इमीडिएटली सारी चीज़ें पास में रखनी, ताकि आप बिना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे ही बच्चे को बाथरूम में से निकाल के ला रहे हो, सारी चीज़ें पर्टिकुलर एक प्लेस पर होनी चाहिए, ताकि आप फटाफट अपने बच्चे को पहना सको, ठीक है। दूसरी बात, पानी आप गर्मियों में फ्रेश वाटर यूज़ करें, वैसे फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, अगर आपने अपने बच्चे के अंदर ये हैबिट डेवलप कर दी
फ्रेश वाटर से नहलाने के लिए, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और फ्रेश वाटर सबसे अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर जगह फ्रेश वाटर एकदम नल से निकला हुआ नहीं मिल सकता, बाहर जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे एकदम फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है। तो आप गर्म पानी यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप फ्रेश वाटर से अगर बेबी को नहला रही हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो ना तो वो बहुत ठंडा होता है ना ही गर्म, लेकिन टेम्परेचर उसका ठीक होता है, आराम से आप उससे बेबी को नहला सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वॉर्म वाटर ही यूज़ करें, क्योंकि फ्रेश वाटर हर जगह नहीं मिलता है, ठीक। तो बच्चे को वॉर्म वाटर से ही आप नहलाएं, उसका या तो स्पंज करें या फिर नहलाएं, ठीक है। स्पंज अगर आप कर रहे हो तभी आप वॉर्म वाटर लें और अच्छे से उसकी क्लीनिंग करें, अच्छे से उसके कपड़े चेंज करें। आपको उसके डेली कपड़े चेंज करने हैं। अगर आपका अपनी बेबी की फर्स्ट विंटर है और आप उसको डेली नहीं नहला पा रहे हो, तो आप उसके कपड़े डेली चेंज करें, पहनने वाले और जिसमें भी बच्चा आपका जो बच्चे के कंबल हैं, बच्चे के बिछाने वाले कपड़े हैं, जो भी उसकी यूज़ की चीज़ है, वो आपको डेली चेंज करनी है। क्योंकि बच्चा सुसु भी कर लेता है, पॉटी भी कर लेता है कपड़े में, और वो दूध भी निकाल देता है, ड्रूलिंग लार भी टपकाता है, तो वो गंदा रहता है और वहीं पर वो चीज़ अगर प्रॉपर क्लीन नहीं होती तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनते हैं। अगर आप प्रॉपर चेंज नहीं करोगे उसके सारे कपड़े, तो वो बैक्टीरिया बच्चे के शरीर पे एलर्जी या इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो आपको उसके सारे कपड़े वेयर के या ओढ़ने बिछाने के सारे आपको डेली चेंज करनी है, ठीक है। इसके साथ आप बच्चे को जब भी नहला रहे हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी डिटर्जेंट सॉरी फेस वॉश या जेल वगैरह ये ज़्यादा यूज़ नहीं करने, हल्के ही यूज़ करने थोड़े से, और फटाफट फटाफट आपको नहलाना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। उसका माइंड डाइवर्ट करके कुछ गाना सुनाइए या गाना गा के गुनगुनाती रहिए, ताकि वो एंजॉय करे अपने बात को, रोए नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो आप कुछ ना कुछ म्यूजिकल चीज़ें या तो चला दें या खुद ही गाएँ और उसको एंटरटेन करके नहलाएँ फटाफट से, जिससे कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट और फटाफट से नहा लेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बच्चे को कभी भी फीड, आपने फीड कराया है, फीड कराने के तुरंत बाद ना नहलाएं, ठीक है। फीड कराने के बाद तुरंत बाद आपको नहीं नहलाना, ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हेल्दी नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को नींद आ रही है और वो सोने वाला है और झपकियाँ ले रहा है, तो ऐसे में भी आपको उसको नहीं नहलाना है, ठीक है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, उसके फटाफट से कपड़े चेंज करके उसको आप सुला सकते हो, ठीक है। और फीड कराने के बाद तो आपको बिल्कुल भी वो उसको नहीं नहलाना है। सेम अगर आपने मसाज की है, तो मसाज करने के बाद भी आपको कम से कम आधे घंटे बाद ही बच्चे को बाथ देनी है। सेकेंड, नहलाते समय आप ध्यान रखें कि आपके हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे बहुत सारी चूड़ियाँ, बच्चों को कभी कभी नहलाते समय हमारी चूड़ियाँ हैं जो चटक जाती हैं, जो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती है, या कुछ इस तरीके की अंगूठी नहीं होनी चाहिए जो हमारे हाथों में, कि हम बच्चे को जब फेस पर कुछ भी लगाएं तो वो उसको इंजरी करे, ये चीज़ भी आपके नहीं होनी चाहिए। आप उसको निकाल सकते हो, बाद में आप पहन सकते हो, लेकिन उस टाइम जब अपने बच्चे को बाथ दे रहे हो तब ये सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो मेन ये तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें बच्चों को नहलाते समय ध्यान में रखनी है। लेकिन जो मेन पॉइंट था वो यही था कि हम डेली नहलाएं या नहीं नहलाएं। अगर आपके बच्चे की फर्स्ट विंटर है तो आपको डेली नहीं नहलाना है, आप 2-3 दिन बाद बच्चे को नहला सकते हैं। अच्छे से धूप निकल जाए तो कोशिश करें आप उसी समय बच्चे को अच्छे से नहला दें, अदरवाइज़ आपको डेली बेबी को स्पंज ज़रूर कर देना है। और एक दिन छोड़ के आप अपने बच्चे को नहला सकते हैं, 2 दिन का भी गैप आप बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। अगर बेबी प्रीमेच्योर है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है या फिर बेबी की पहली विंटर, उसके बाद जब बच्चे की सेकेंड विंटर आती है तो आप उसको डेली भी नहला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेटर रहेगा आप डेली नहलाने की आदत डालें। कहते हैं जैसे बच्चे में हैबिट डेवलप करोगे, वैसे ही बच्चे की बॉडी उस चीज़ को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। माइंड में ये ना रखें कि डेली नहलाने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि बच्चा हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें जो 3 चीज़ें मैंने बताएं, उन जिन कंडीशन में आपको नहीं नहलाना है और किन कंडीशन में आपको नहलाना है, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे के कपड़े ज़रूर चेंज करती रहें, स्पंज ज़रूर करती रहें। अगर आपने नहीं करा या फिर आपने ऐसे अवॉइड कर दिया या वही कपड़े रिपीट वगैरह कर दिए, तो बच्चे को एलर्जी इन्फेक्शन डेफिनेटली हो जाना है,
ठीक है, रेड रेड दाने निकल जाएंगे, पीली पीली फुंसियाँ हो जाएंगी, ये होता है सब गंदगी की वजह से। अगर बच्चे के कपड़े बिछाने वाले गंदे हैं वो चेंज नहीं करें, या ओढ़ने वाले गंदे वो चेंज नहीं करें, या बच्चे ने दूध टपका लिया वही पहने हुआ है, तो बच्चे को डेफिनेटली इन्फेक्शन होना है। हमेशा रैशेज, रेड दाने इस तरीके से बच्चे के फेस पर या पूरे ऑल ओवर बॉडी पर निकल आते हैं। डायपर एरिया हमेशा नीट एंड क्लीन रख आपको रखना है। तो माय डियर मॉम, मेरी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ आपसे मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।